नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं satyahindi.com। सत्य हिंदी का ऐप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब नजर डाल लेते हैं अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। नीतीश तेजस्वी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार 16 अगस्त को हो सकता है। सरकार में शामिल सभी पार्टियों के नेताओं के बीच मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस के अलावा बाकी राजनीतिक दलों से कौन विधायक मंत्री बनेंगे, इस पर चर्चा चल रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन में इस बार छोटे बड़े मिलाकर कुल 7 राजनीतिक दल शामिल हैं। ऐसे में विभागों के बंटवारे में खींचतान भी देखने को मिल सकती है। नीतीश सरकार में गृह मंत्रालय ऐसा विभाग है जिस पर सबसे ज्यादा पेच फंसा है। अब तक गृह मंत्रालय नीतीश कुमार अपने पास रखते आए हैं, लेकिन इस बार चर्चा है कि तेजस्वी यादव भी गृह मंत्रालय के लिए दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस को नीतीश सरकार में 4 से 5 मंत्री पद मिलने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक जेडीयू के पास मंत्रियों की संख्या और विभागों की जिम्मेदारी पहले की तरह ही रहेगी, जबकि बीजेपी कोटे के बचे बाकी विभाग महागठबंधन के खेमे में जाएंगे। नीतीश ने बुधवार को कहा था कि 2014 में जो आए वो 2024 में रह पाएंगे या नहीं, यह देखना होगा। नीतीश ने इस दौरान विपक्ष से एकजुट होने का आह्वान किया था। बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार का फ्लोर टेस्ट 24 अगस्त को होगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एक प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रवासी मजदूर मोहम्मद अमरेज बिहार के मधेपुरा का रहने वाला था। आतंकवादियों ने अमरेज को बांदीपोरा के अजास इलाके में गोली मारी। मजदूर को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इससे पहले गुरुवार को राजौरी में आतंकवादियों ने सेना के शिविर पर आत्मघाती हमला किया था जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी भी मारे गए थे। पिछले हफ्ते पुलवामा में एक आतंकवादी हमले के दौरान बिहार के एक प्रवासी मजदूर मोहम्मद मुमताज की मौत हो गई थी और 2 अन्य घायल हो गए थे। घायल मजदूर मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद मकबूल भी बिहार के ही थे। जून में बड़गाम के चडूरा गांव में आतंकियों ने 2 मजदूरों को गोली मार दी थी। इसके अलावा कुलगाम में एक बैंक मैनेजर विजय कुमार की बैंक में घुसकर हत्या कर दी थी। विजय कुमार राजस्थान के रहने वाले थे। 31 मई को कुलगाम के सरकारी स्कूल में टीचर रजनी बाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कश्मीर घाटी में इस साल जनवरी से अब तक पुलिस अधिकारियों, शिक्षकों और प्रवासी मजदूरों सहित कम से कम 18 से अधिक टारगेट किलिंग हो चुकी हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहलवान दिव्या काकरान ने एक बार फिर केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। दिव्या काकरान ने कहा है कि केजरीवाल सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। दिव्या ने कहा कि साल 2017 में वह खुद दिल्ली सरकार के पास मिलने गई थी, उन्होंने मदद मांगी तो सरकार की ओर से कहा गया कि आप लिख कर दीजिए। मैंने लिख कर भी दिया लेकिन फिर भी सरकार की ओर से कोई फोन या मेल नहीं आया। इसके बाद 2017 के आखिर से वह उत्तर प्रदेश की ओर से खेलने लगी। दिव्या ने कहा है कि केजरीवाल सरकार जिस तरह अन्य खिलाड़ियों को सम्मानित करती है उसी तरह उसे भी सम्मानित किया जाए। दिव्या काकरान के आरोपों का जवाब देते हुए दिल्ली सरकार ने कहा था कि भारत के लिए मेडल लाने वाले सभी खिलाड़ियों को दिल्ली सरकार प्रमोट करती है। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता के पद पर अंबादास दानवे की नियुक्ति से महाविकास आघाड़ी में दरार आती दिख रही है। कांग्रेस ने भी इस पद पर अपना दावा ठोक दिया था, लेकिन विधायिका सचिवालय ने दानवे की नियुक्ति को मान्यता देते हुए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एनसीपी भी नाराज है कि शिवसेना ने इस मामले में सहयोगियों से कोई चर्चा नहीं की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने संकेत दिया कि इस हालात में आघाड़ी का बने रहना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि इस मामले में चर्चा होनी चाहिए थी। पटोले ने कहा कि कांग्रेस ने आगामी शहरी और ग्रामीण निकाय चुनावों में अकेले लड़ने का फैसला किया है और हर पार्टी को अपने संगठन को मजबूत करने का अधिकार है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि कांग्रेस को विधान परिषद में विपक्ष के नेता का पद मिलना चाहिए था, क्योंकि शिवसेना के पास उच्च सदन में उपसभापति का पद है, जबकि एनसीपी के पास राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष का पद है।
कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अभी भी दिल्ली के एम्स अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। उनकी स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। दुनिया भर में उनके प्रशंसक उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। राजू को लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रखा गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट के दौरान राजू श्रीवास्तव के ब्रेन को भारी नुकसान पहुँचा है। डॉक्टर्स की टीम राजू श्रीवास्तव की देख रेख में जुटी हुई है। बता दें कि बुधवार को जिम में वर्कआउट करते समय राजू श्रीवास्तव की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। वह बेहोश होकर गिर पड़े थे। इसके बाद उन्हें लोग अफरा तफरी में दिल्ली एम्स अस्पताल ले गए थे। राजू श्रीवास्तव बिग बॉस, शक्तिमान, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस और द कपिल शर्मा शो में अपने हुनर का जलवा बिखेर चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की जज के द्वारा मनुस्मृति की तारीफ करने का विवाद तूल पकड़ रहा है। तमाम महिला अधिकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट की जज प्रतिभा एम सिंह की टिप्पणी की निंदा की है। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने उनकी टिप्पणी का जबरदस्त विरोध किया है। प्रतिभा एम सिंह ने कहा था कि भारतीय महिलाएं भाग्यशाली हैं क्योंकि मनुस्मृति जैसे ग्रंथ उन्हें बहुत सम्मानजनक स्थान देते हैं। उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति भी कहती है कि ऐसी प्रार्थना बेकार है जब तक कि महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता। सोशल मीडिया पर भी ज़्यादातर लोगों ने जज की मनुस्मृति वाली टिप्पणी पर एतराज़ जताया है। इन लोगों ने कहा कि महिलाओं को सम्मानजनक स्थान मनुस्मृति नहीं बल्कि भारतीय संविधान देता है। कर्नाटक के कोप्पल जिले में मामूली विवाद पर दो समुदायों के लोगों के बीच हिंसा हुई जिसमें दो लोग मारे गए और कम से कम चार अन्य घायल हो गए हैं। जिले में काफ़ी तनाव का माहौल है। धारा 144 लागू कर दी गई है और स्कूल कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है। घटना कोप्पल जिले के हुली हैदर गांव में गुरुवार को हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों समुदायों के लोगों ने लाठी और हथियारों से लैस होकर एक दूसरे पर हमला किया। कई घरों पर पथराव किया गया, कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस विवाद के पीछे एक मुस्लिम लड़की और वाल्मीकि समुदाय के युवक के बीच लिव इन रिलेशनशिप की वजह से हुआ तनाव भी एक कारण है। रेवड़ी कल्चर यानी मुफ्त की योजनाओं को लेकर देश भर में बहस चल रही है। इसी बीच आरएलडी के चीफ जैन चौधरी ने ट्वीट कर पूछा है कि भारत के माननीय चीफ जस्टिस को कौन कौन सी फ्रीबीज मिलती हैं। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में पूछा है कि प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या अग्निपथ भी रेवड़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि चुनावी मौसम के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार का वादा करना और इन्हें दिया जाना एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। शीर्ष अदालत अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त का वादा करने वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दलों के द्वारा जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और राज्य कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ।